वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम क्लास 11th इंग्लिश की जो पोयम नंबर 1 है हॉर्नबिल बुक से, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, वो करेंगे। इसकी जो पोएटेस है वो है शर्ले टाउलसन। ठीक है, इस पोयम में जो पोएटेस है वो अपनी मम्मी के बारे में बता रही है। एक्चुअली उसकी जो मदर है वो एक्सपायर कर चुकी है, मर चुकी है। वो अपनी मम्मी का बचपन का एक फोटो देख रही है, जब उसकी मम्मी और उसकी जो दो कजन है, यानी कि मम्मी की कजन यानी कि उसकी मौसी लगी, जब वो एक समुंदर पे बीच पे किनारे घूमने गई थी। तो चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फोर लाइन क्या है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। अब कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? फोटोग्राफ, यानी कि वो जो पोएटेस है शर्ली टाउलसन, वो देख रही है अपनी मम्मी के इस फोटो को। ठीक है, जो कार्डबोर्ड है वो मुझे दिखाता है व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, यानी कि ये है, उसकी मम्मी है ये वाली, मेरी मम्मी के साथ जो उनकी जो दो कजिन्स हैं किस तरह से वो पैडलिंग गई थी। पैडलिंग का मतलब है समुंदर के किनारे जब आप नंगे पैर पानी में घूमते हो। उसके लिए ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और वो जो फोटोग्राफ में वो जो दो लड़कियां हैं जो आपको यहां दिखाई दे रही है, उन दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा है। और उनमें जो बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की यानी कि जो मेरी मम्मी है, वो उस फोटो में करीबन 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। देखो इस लाइन का मतलब समझो, जो तीनों की तीनों हैं वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हैं। क्यों? एंड स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब तुम कहोगे सर जो स्माइल करता है आदमी लिप से करता है, हेयर से थोड़ी करता है। एक्चुअली समुंदर के किनारे हो सकता है तेज हवा चल रही हो, तो उनके जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं, वो उनके फेस पे आ रहे हैं, तो उनकी जो मुस्कान है वो दिखाई दे रही है हेयर के बीच में। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। और वहां जब ये तीनों गई थी घूमने, तब उनके जो अंकल थे यानी कि मेरी मम्मी के जो अंकल थे, उन्होंने उस फोटो को खींचा है जिस फोटो को आज पोएट देख रही है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो ये जो मेरी मम्मी का फोटो है ये तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ऑब्वियस बात है जब वो बचपन में थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट। अब देखो एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, वो समुंदर उस टाइम पे भी ऐसा था और आज भी ऐसा है, यानी कि जो समुंदर है वो बिल्कुल नहीं बदला। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट, ट्रांजियंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज रहती है। तो वो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रही है कि जो मेरी मदर उस टाइम उस समुंदर में थी आज वो नहीं है, लेकिन वो समुंदर तब भी था आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन वो जो मेरी मदर है वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब है समथिंग विच इज नॉट परमानेंट। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली। जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपकी मम्मी अपने पुराने फोटोज कभी कभी शायद आपको दिखाती होंगी या पापा आपको दिखाते होंगे। तो वो यहां पे पोएटेस कह रही हैं इस इंसिडेंट के, कौन सी इंसिडेंट के? इस इंसिडेंट के 30 सालों बाद जब पोएटेस पैदा हो गई, तो वो जो पोएटेस की मम्मी है वो अपनी बच्ची को यानी कि इस पोएटेस को ये फोटो दिखाती है और वो कहती है देखो बैटी और डॉली, यानी कि ये जो कजिन है इनका नाम क्या है, देखो बैटी और डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। किस तरह से हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमें बीच के लिए, बीच का मतलब समुंदर के पास जब घूमने जाते थे उसके लिए हमें किस तरह से तैयार करते थे। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रही है पोएटेस कि जब मेरी मम्मी जिंदा थी, यहाँ पे ये मैंने दिखाया आपको, ये है पोएटेस जिसने ये पोएट लिखी पोएम लिखी है और ये उसकी मम्मी है। जब मम्मी जिंदा थी तो मम्मी और मैं इस फोटो को देख के हंसा करते थे और वो मुझे क्या कहती थी कि देखो बैटी और डॉली किस तरह से तैयार हुई थी, कहाँ के लिए? बीच के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब यहां पे पोएट क्या कह रही है, जो सी हॉलीडे था मेरी मम्मी के लिए, जो पास्ट क्या था मेरी मम्मी का, तो पास्ट था ये जब मेरी मम्मी और उनकी जो दो कजिन कहाँ गए थे, बचपन में घूमने गए थे। और मेरे लिए पास्ट क्या है, मेरे लिए पास्ट है मेरी मम्मी का लाफ्टर, जब मेरी मम्मी हंसती थी, क्योंकि आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब देखो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है जो चीज हमने खो दी हो उसके लिए डिसअपॉइंट होना।
तो यानी कि मेरी मम्मी किस चीज के लिए डिसअपॉइंट होती थी, काश कि वो बचपन दोबारा से वापस आ जाए जो बचपन में हम इतना एंजॉय करते थे। और पोएट क्यों दुखी हो रही है, आज वो अपनी मम्मी को याद करके दुखी हो रही है, काश कि जो मेरे पास्ट में जो मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी वापस आ जाए। तो वो बता रही है जब मेरी मम्मी उस फोटो को देखती थी तो वो चाहती थी कि वो बचपन वापस आ जाए, और मैं अब जब इस फोटो को देख रही हूं तो मैं चाह रही हूं मेरा पास्ट यानी मेरी मम्मी काश के यहां होती। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। अब यहां पे लास्ट लाइन बहुत इमोशनल है, वो कहती है अब मेरी मम्मी को मरे हुए उतने साल हो गए जितने साल की वो लड़की है उस फोटो में। देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना, तो इस वाले फोटो में ये कितने साल की है, इसकी मम्मी 12 साल की है। तो वो बता रही है अब मेरी मदर को मरे हुए एक्सपायर हुए हुए लगभग कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इसके बारे में यानी कि मेरी मम्मी के मौत के बारे में, डेथ के बारे में मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अब तो केवल सन्नाटा है। सो यहां पे ये पोयम खत्म हो जाती है। मैं समराइज कर देता हूं, जो पोएटेस हैं शर्ली टाउल्सन, उन्होंने अपनी मम्मी को याद कर रही है और इस इमोशनल पोयम को लिखा है। और लास्ट में तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब तुम्हें देना है कॉमेंट सेक्शन में। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कितने, टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, टू गर्ल्स एंड वन बॉय, ओनली हर मदर। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप मुझे बताओगे, और अगर वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, बाय।